विराट कोहली और रोहित शर्मा 5 सितंबर से शुरू हो रही दलित ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को नए तरीके से शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसा कि सभी को पता है, टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का T20 का वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के जीतते ही विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी और T20 से संन्यास की घोषणा करने के बाद अब इन दोनों के पास में इस साल सिर्फ टेस्ट मैच खेलने का ही मौका है, क्योंकि इस साल अब भारत के शेड्यूल में कोई भी वनडे मैच नहीं है। भारत के आगे आने वाले मैचों के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत को इस साल बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो ऐसे में बीसीसीआई आगामी टेस्ट सीरीज के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट खिला सकती है। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 5 सितंबर से शुरू हो रही दलित ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई इस टूर्नामेंट को एक नए तरीके से कराने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दलित ट्रॉफी में अजीत अग्रवाल की अगुवाई में पैनल 4 टीमें इंडिया ए, बी, सी और डी के साथ नए रूप में तैयारी करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी आमना सामना हो सकता है। पहले इस टूर्नामेंट में जोन की टीमें हुआ करती थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा बीसीसीआई ने दलित ट्रॉफी में खेलने के लिए शुभम गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और साथ ही कुलदीप यादव को कहा है। दलित ट्रॉफी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खेली जानी है। चूँकि यह स्थल हवाई परिवहन किसी जुड़ा हुआ नहीं है और स्टार खिलाड़ियों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए अब बीसीसीआई बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह ग्राउंड और दलित ट्रॉफी के मैच करवाने की योजना बना रही है। दलित ट्रॉफी के 6 मैच 5 सितंबर से शुरू होंगे और 24 सितंबर को समाप्त होंगे, जबकि भारत बनाम बांग्लादेश का मैच पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। तो अब यह हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 5 सितंबर को दलित ट्रॉफी का पहला मैच खेल सकते हैं और इसके बाद में 12 सितंबर से टीम के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं चयन समिति दलित ट्रॉफी खेलने के लिए ईशान किशन को चुन सकती है। चयन समिति चाहती है कि अगर ईशान किशन भारतीय टीम में वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें लाल गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहिए। इसके आगे बात करें भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में, तो बुमराह ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम इंडिया के लिए कोई भी मुकाबला नहीं खेला है और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है। बुमराह ने अपना आखिरी मैच भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेला था। भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिलहाल ब्रेक पर हैं। बुमराह का आखिरी मैच वर्ल्ड कप फाइनल था, उसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज और साथ ही श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज खेली है, लेकिन दोनों में ही जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह को तीनों सीरीज से आराम देने का फैसला किया था ताकि उनके ऊपर टाइम का कोई भी वर्कलोड नहीं हो। हालांकि बुमराह का ब्रेक और भी लंबा चल सकता है और उन्हें आगे आने वाले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है। टीम इंडिया को सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में उतरना है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई में शुरू होगा। श्रीलंका का दौरा खत्म होने के बाद में भारतीय खिलाड़ियों को 43 दिन का लंबा ब्रेक मिला है। भारत को अब सीधे बांग्लादेश से भिड़ना है। भारत को बांग्लादेश से टेस्ट के अलावा 3 मैचों की T20 सीरीज में भी टकराना है और इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिलेक्टर्स को बांग्लादेश खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में स्पिन के अनुकूल पिच की उम्मीद है। ऐसे में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज बुमराह को आराम दिया जा सकता है। अनुभवी पेसर मोहम्मद शमी की भी वापसी हो सकती है। शमी चोटिल होने के बाद में वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर हैं। उनका फरवरी में एडी का ऑपरेशन हुआ और अब बुमराह को आराम दिए जाने के बाद में शमी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और अब भारत के नए हेड कोच गौतम गंभीर भी यह कह चुके हैं कि बुमराह बहुत ही फायदेमंद गेंदबाज हैं, तो उनका सावधानी से इस्तेमाल करना होगा और इसीलिए बुमराह को आराम दिया जा रहा है ताकि उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं हो और उन्हें महत्वपूर्ण मैचों में काम में लिया जा सके। बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में अपना शानदार दमखम दिखाया था। उन्होंने 8 मैचों में 4 की इकोनॉमी से 15 विकेट चटकाए थे और जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द अवार्ड के नवाज से सम्माना गया। टीम इंडिया के लिए आगे आने वाले समय में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन तीनों की तगड़ी बहुत ही कारगर साबित होने वाली है और यह तीनों फास्ट बॉलर टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि विदेश की धरती पर फास्ट बॉलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आगे आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह और इसके साथ साथ मोहम्मद शमी और सिराज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।